हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा लक्ष्मी विकास विलास बैंक के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे PO की पोस्ट निकला हुआ है जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसका जो कि एग्ज़ाम के सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब कुछ। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखते रहे, उसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पे समझ आएगा कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन में जाके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, पोस्ट जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर, और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए विथ 60% फर्स्ट क्लास लेके, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 20 to 28 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते। इसके साथ साथ आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेडनेसडे December 5, 2018 से शुरू हो गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एंड लास्ट डेट है 30 December 2018। और कॉल लेटर आपको मिल जाएगा 1 week बिफोर द एग्ज़ाम, और आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा 20 January 2019। इसके साथ साथ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको देना पड़ेगा 700 rupees आपको एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, आपको यहाँ पे ऑनलाइन एक एग्ज़ाम होगा CVD एग्ज़ाम, उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट जो रहेगा फर्स्ट जो सब्जेक्ट रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसके लिए 20 क्वेश्चन, एनालिटिकल एबिलिटी के लिए 20, वर्बल एबिलिटी के लिए 30, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिजिटल अवेयरनेस के लिए 10, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 40 एंड जनरल नॉलेज के 30। सो दोस्तों, टोटल जो कि क्वेश्चन होगा 150, और टाइम रहेगा यहाँ पे 90 मिनट। इसके साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के जो आपको एग्जाम सेंटर जो मिलेगा आपको, वो भी हम लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट जो है स्टेट तमिलनाडु के लिए चेन्नई, कोम्बेडोर एंड सलीम, मदुराई, करूर, एंड कर्नाटका के लिए बेंगलोर, दिल्ली के लिए न्यू दिल्ली, तेलंगाना के लिए हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के लिए विशाखापट्टनम, महाराष्ट्र के लिए मुंबई, वेस्ट बंगाल के लिए कोलकाता, झारखंड के लिए रांची, गुजरात के लिए अहमदाबाद, एंड मध्य प्रदेश के लिए भोपाल। तो दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या क्या डिटेल्स दिया गया है उसको भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। और इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ, अप्लाई करने के लिए इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जिसको आप ओपन करके ऑनलाइन में जाके अप्लाई कर सकते या रजिस्ट्रेशन कर सकते आपका एप्लीकेशन। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या क्या चाहिए उसको भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, आप जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, आपको वहाँ से आपका एक फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, उसके साथ साथ आपका रिज्यूम जो है यहाँ पे आपको वो भी सबमिट करना होगा। अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन के वीडियो अलग से बनाना होगा है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस कमेंट के थ्रू मैं उसका जो वीडियो है मैं और अलग से मैं बना के आप लोगों के पास वो भेज दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पे आप लोगों को ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते। तो दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।